टिल नाउ वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान ईद स्पेशल। और आप सबको एक्सप्रेस की तरफ से मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ना पूरी दुनिया में आप जानते हैं बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं। The most interesting festival is the music festival in Florida, which is actually underwater. Unbelievable, man! Underwater swimmers जाते हैं और music का और dance का एहतमाम करते हैं. What a festival, man! What a festival! क्या ख्याल है? Tomatina जो tomatoes मारते हैं एक दूसरे को Spain में. मैंने सोचा है इस फेस्टिवल में तो एक बार जिंदगी में जरूर जाऊंगा। एक और फेस्टिवल जो कि चॉकलेट फेस्टिवल होता है जर्मनी में, द प्लेस इज कॉल्ड ब्रनविक, न्यू ब्रनविक। और उस चॉकलेट फेस्टिवल में होता यह है कि तमाम लोग पूरा दिन चॉकलेट्स खाते हैं, इमेजिन कीजिए जनाब। और एक हमारा फेस्टिवल है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन फेस्टिवल है और वो है ईद का फेस्टिवल। यहाँ पे तमाम पाकिस्तानी है, नॉट ओनली पाकिस्तानी बल्कि तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में ईद मनाते। तो आप सबको एक मरतबा फिर मेरी तरफ से ईद मुबारक। जनाब आज के हमारे गेस्ट ऑब्वियसली ईद शो है, स्पेशल शो है, सजावट देख रहे हैं आप, तो गेस्ट भी एज ऑलवेज स्पेशल होंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और बढ़ेंगे, आपको मिलवाएंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से कुछ देर बाद। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज आप देख रहे हैं सेट पे स्पेशल लाइटिंग की गई है और वो स्पेशल लाइटिंग ऑब्वियसली किसी को जिसको हमने यहाँ बुलाया है, क्योंकि वो शख्सियत बहुत स्पेशल है। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑफकोर्स एंड ही इज आवर सुपर स्टार। वैसे उनको जब बोलो वो सुपर स्टार है तो वो कहते हैं नहीं भाई, आई एम नॉट अ सुपर स्टार, but actually he is very very humble. He is a brilliant person. He is an amazing sportsman. Aur ab to yaar television pe har jagah hame dikhai de rahe hain. Ramzan to pure Ramzan television pe ek banda har jagah dikhai de raha tha. Let's ask him what is he doing now aur Eid kaise guzarta hai. Shoaib Malik. दूसरी दफा मुलाकात हो रही है दो दिन में। ये क्या ईद पे जरा ज्यादा मुलाकातें, शोज वोज ये वो? और बीवी से भी दूर हूँ ना, थोड़ा टाइम मिल रहा है तो फिर थोड़ा टाइम मिल रहा है तो वापस आने का नहीं ईद पे वापस है। इस शो के बाद बिल्कुल मेरी फ्लाइट है फौरन वापस बीवी के पास। जबरदस्त यार, प्लीज हैव अ सीट। बैठ गए। क्या हाल है, खैरियत से? ऑल गुड, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल गुड। पूरा रमजान जो है वो शोज में ही जा रहा है, बट व्हेनेवर आई गेट फ्री टाइम आई मेक श्योर आई प्रैक्टिस, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो प्रॉब्लम होगा। ऑब्वियसली आई हैव सीन योर वीडियो, द न्यू वीडियो, उसमें फुल वर्कआउट चल रहा है। क्या वीडियो यार, कि सबको मतलब आगे हट जाओ, सारे हटो बच्चो टाइप, मतलब सुपर हीरो। वो सेल्फ ऑब्सेशन है। हाँ, बहुत शौक है, यानी बहुत शौक है मुझे। और ये है कि सिर्फ मसल्स बनाने का शौक नहीं है, उसमें एंड्योरेंस होना चाहिए, जो कि क्रिकेट में फायदा दे एंड ऑफ द डे। ये क्या थोड़ा सा काम किया उसके बाद बॉडी थक गई, बैठ जाओ आराम से, बस वो मसल्स के क्या फायदा उन मसल्स। एक्टिंग का शौक है, एक सीन तो किया कहीं पे, मुझे पता है। आई नो एक सीन क्या, मैं नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है यार, क्योंकि दो चार महीने बाद वो सरप्राइज सामने। दो तीन जगह पे किया है, दो तीन जगह पे कर लिया, यानी कि कुछ प्रैक्टिस एक्टिंग भी चल रही है। टू बी ऑनेस्ट, अभी स्टिल देयर इज अ लॉट टू अचीव इन क्रिकेट, और कोशिश अभी यही है कि यार क्रिकेट की तरफ फोकस रहे
वो एक रिकॉग्निशन है एक एथलीट की. बट ऑफ कोर्स आई लव एक्टिंग. हाँ आई लव एक्टिंग. और मेरी वाइफ तो मुझे कह भी रही है ये आप जब देखो किसी शो में पहुंच जाते हो कभी कहाँ पहुंच रहे हो कोई इरादे नहीं है ना देखिए आप जहाँ भी हाँ व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए लाइफ में एक्सपेरिमेंट. अच्छा सियालकोट का मतलब अब तो सियालकोट के करीब एक जगह जहाँ से एक लड़का उठा और उसने एक दिन पता नहीं ख्वाब देखा मेहनत की क्या किया यार माशाल्लाह. यानी यू नो दिस काइंड ऑफ प्रोग्रेस अगर आप गौर करें तो ये प्रोग्रेस बड़े कम लोगों को नसीब होती है. सो दिस इज गॉड्स गिफ्ट मतलब माशाल्लाह इट्स अ ब्लेसिंग ऑब्वियसली. बट डिड यू एवर इमेजिन दैट बचपन में पीछे अगर हम चले जाएं डिड यू इमेजिन के यू विल बिकम व्हाट यू आर टुडे. टू बी ऑनेस्ट नेवर थॉट ऑफ दिस वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ और व्हाट आई हैव अचीव्ड. I still remember I was giving under 15 World Cup trials in 1996 at Gaddafi Stadium and I saw Wasim Akram. Acha. And I took an autograph from him and I never imagined that I will play and Wasim Bhai will be a captain after 3 years. Wow. So wo ek jo tha na ek dream wo bahut matlab वो 3 साल ऐसे गुजरे जैसे आजकल जो घंटे हैं दिन हैं वो सेकंड्स में गुजर रहे हैं मिनट्स में गुजर रहे हैं. तो वो 3 साल ऐसे गुजर गए. और जब आप छोटे होते हैं आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. वाला, तो आप रूटीन में मतलब यू जस्ट गो विद द फ्लो. यू जस्ट गो विद द फ्लो. प्लानिंग नहीं होती. कोई प्लानिंग नहीं होती. हाँ राइट गाइडेंस जरूर आपके अराउंड होनी चाहिए. और अगर वो आपके अराउंड हो उसको समझ हो उस इंसान को कि इस बच्चे का क्या पैशन है उसमें उसको कोशिश करें अच्छा बनाने की. जबरदस्त है. ईद कैसी होती थी मुझे ये बताएं. ईद सियालकोट की कैसी होती थी. ईद बहुत अच्छी होती थी. क्योंकि ईद पे ये था कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए एज अ किड. आपको ईद ही चाहिए. सो यू मेक श्योर यू गो टू योर एल्डर्स और आप दरवाजों में जाके ना और मासूम सा चेहरा बना के ताकि अगले समझें क्या है आज. हाँ भाई ईद ही लाओ. और क्या उस वक्त क्या एक मामूल क्या होता था. ईदी कितनी मिलती थी. 50 रुपए 100 रुपए 200 500 10 रुपए. 200 500 तो बहुत ज्यादा आप बता रहे हो. 50 रुपए 10. मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं स्कूल जाता था तो उस वक्त 2 रुपए मिलते थे और वो 2 रुपए में पेट भर जाता था. जब आपको ब्रेक मिलता था जो 5 पीरियड्स के बाद एक ब्रेक मिलता था. हालांकि इतनी पुरानी बात नहीं है. नहीं नहीं बहुत पुरानी हो गई. आपके टाइम की नहीं है मेरे टाइम की हो गई. Would be the other way around. But anyway, आपकी बात को मान लेते हैं यहाँ पे यार. अच्छा, family के साथ, family जो अब माशाल्लाह your wife and your kid, इनके साथ ईद जो गुजरी है पीछे अभी इतने साल हो गए हैं तो वो बहुत मुख्तलिफ ईद है. Do you enjoy this ईद या वो बचपन की ईद भी याद आती है कि यार वो भी एक जो था अपना अपना इलाका अपने लोग अपना मोहल्ला अपने दोस्त यार वो भी कभी कभी याद आती है. चीज़ें सारी याद आती हैं अगर आप उनको सोचें. और आई मेक श्योर आई गिव माई सेल्फ एट लीस्ट 15-20 मिनट्स एट नाइट. जब मैं व्हेन आई हिट द बेड टू स्लीप फिर मैं सोचता हूँ कि पहले क्या होता था फिर लाइफ कैसे चेंज हुई और अब क्या है. तो ये है कि जिस प्रेजेंट मोमेंट पे आप हों उसको आप जिए. थोड़ा टाइम लगता है बट अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है. लेकिन ये है कि आई डू मिस माई ओल्ड डेज क्योंकि वो ईदी लेना वो जो ट्रेडिशन है हमारे कल्चर की वो हमेशा जो है ना वो याद आती है और वो रहती है. बट ऑफ कोर्स जब आपका बच्चा हो आपकी वाइफ हो तो वो भी एक डिफरेंट एक्साइटमेंट. अच्छा, है वो कहते हैं ना हमेशा अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए हमेशा याद रखना चाहिए. आई थिंक यू वन ऑफ दोस के जो हमेशा याद रखते हैं कि मैं कहाँ से मैंने स्टार्ट किया मैं कौन हूँ किस तरह आगे बढ़ा. बिल्कुल देखें याद रखना चाहिए और यही चीज़ आपको ग्राउंडेड भी रखती है और कंसिस्टेंट भी रखती है एट द सेम टाइम इन योर प्रोफेशन. तो हर चीज़ आपको याद रखनी चाहिए. जबरदस्त जी. शोएब मलिक इज विद अस और हमारी नेक्स्ट जो मेहमान यहाँ पे आ रही हैं वो भी शी इज अ मार्वलस वंडरफुल एक्ट्रेस. आप यकीन करें कि इनका जब मैं काम देखता हूँ तो फिर देखता रहता हूँ और इनका चेहरा जब देखता हूँ तो कहीं और नजर जाती नहीं है. She is gorgeous looking, she is beautiful and a wonderful actress. Please welcome Sonia Hussain. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. You guys look great. Thank you and you look lovely as always. Thank you. Oof.
मतलब मैंने बोला नजरें कहीं और नहीं जा रही। हाँ, पहले आपने कहा फेस से नहीं हटेंगी, अब कपड़ों से नहीं हटेंगी। यार अभी डिसाइड कर लें कि फेस को देखना है कपड़ों को। ये आज आप फेस देखो, मैं कपड़े देखता हूं। वजह इसकी फिर हम चेंज कर लेंगे आधे में। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद मैं कपड़े देखूंगा, आप फेस देखेंगे, फिर उसके बाद शो खत्म हो जाएगा। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। आपके घर वालों को भी। आपके घर वालों को भी। वो आपके घर वालों को भी ईद मुबारक बोले ही नहीं। नहीं, और किसी को कहना ईद मुबारक। मैं नहीं दे रहा घर वालों को। हाँ क्यों? अच्छा मैं बोल देता ऐसे ना, आपके घर वालों को भी। आपके घर वालों को भी ईद मुबारक। पहले आपको ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सब क्या हो रहा है? सब जगह पे ईद मुबारक। हर एक को ईद मुबारक। सोनिया, ईद कैसे गुजरती है यूजुअली? ईद तो सुबह स्पोर्ट के पहली दफा ईद पे ही सपोर्ट थे हम। ईद पे ईद वाले दिन सोनिया सपोर्ट देती है, ये एक रिकॉर्ड। बहुत सपोर्टती हूं। ठीक है, क्योंकि ईद का जो एसेंस होता है वो सपोर्ट के ही होता है, क्योंकि अगर आप दोपहर में उठते तो वो सारी चीज़ें सुबह की, जो वो मीठा बनना, और मेरी एक शुरू से घर में ट्रेडिशन है कि मैं शाही टुकड़े बनाती हूँ, और बहुत अच्छे बनाती हूँ। वो पूरा साल तो कुछ और नहीं बनाती होगी सोनिया? नहीं नहीं नहीं, आई एम अ वेरी गुड कुक। जो मैंने सीखा नहीं है, बट नहीं मुझे पता है। अभी अभी प्ले करेंगे ना साथ, उस पे बना के लेकर आऊंगी कुछ। मैंने खाया है। क्या खा लिया? हाथों का बना हुआ खाना। क्या खाना? नहीं मतलब डिश क्या थी? मैं ये कह रहा हूँ यार, आज खाओ से खाना। मुझे पता है कि था क्या जाहिर है, और मतलब क्या हाथ उंगलियां खाई है, क्या किया? नहीं नहीं, वो उंगलियों से उन्होंने खाना बनाया और मैंने वो खाना खाया। हुसैन का खाना तो इस फील्ड में बड़े कम। मैंने खाया है, मैंने खाया है, आई एम ब्लेस्ड। और साथ में मजे की बात ये है, जिंदगी में चेंज आया आपके? हाँ जी। क्या? बहुत कुछ आया उसके बाद जिंदगी में, ऐसा चेंज आया कि वैसा खाना दोबारा नहीं खाया। नहीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। और आई थिंक ये हेरिडिटी में मेरी दादी बहुत अच्छा बताती थी, तो वैसे आया है। तो ये तो खैर, एनीवे तो हम, मैं सुबह मीठा बनाती हूँ, सब सुबह उठते हैं, और यू नो गपशप। अब ईद आई थिंक ऐसा दिन है जिस दिन पूरी फैमिली एक साथ बैठ पाती है, क्योंकि यूजुअली कभी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, मेरा भाई क्योंकि बाहर पढ़ता है, बहन स्कूल्स की स्टडीज, तो अम्मी अब्बू सब इस तरह से जब बैठते हैं ना, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन लगता है। मैं इनकी पूरी फैमिली से मिला हूँ। और ये बहुत, फैमिली वालों को जी, ये बहुत स्वीट है। इनके पेरेंट्स सबके होते हैं, बट इनके जो है ना थोड़े एक्स्ट्रा हैं। थैंक यू। और शुएब के तो अम्मी अब्बू इतने ज़्यादा फैन हैं, जब ये आए थे हमारे, मतलब जब ये उनसे मिले तो कहने लगे कितना प्यार। हमारी अम्मी तो को पता है ना कि वो जब भी कोई लड़का आता तो कहती क्या शादीशुदा है। अच्छा ये नहीं मुझे बताया था। मैं बड़े ना बड़े आराम से, मैं जी जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम करें, मैं बड़े आराम से बैठ गया। तो ऐसे लगा था जैसे मुझे कोई देखने आया है। अम्मी ना, अम्मी ने आने का, हालांकि शुएब की शादी तो मतलब पूरी दुनिया को मालूम है। नहीं लेकिन वो वेरी अनअवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया या टीवी, वो देखते नहीं इतना ज्यादा। तो अम्मी ना सब लोग बातें कर रहे, अम्मी थ्रू आउट ना शुएब को बस यूं देख रही है, और मुझे ऊपर फिर ऊपर गई, मुझे मैसेज कर रही है कि अच्छा, ओह माय गॉड। मुझे बताया बाद में, अब पता चला खाना के, मैं उसके बाद दोबारा खाना खाने नहीं गया। नहीं लेकिन आऊंगा फिर खाना खाने। खाना ही खाना यार, फिर क्या। अच्छा सोनिया, बचपन की ईद ज्यादा अच्छी है या अभी की? बचपन की ऑब्वियसली, क्या ख्याल है? आई थिंक अब की ज्यादा अच्छी। अब की ज्यादा अच्छी बचपन, क्योंकि बचपन में बहुत कम ऐसा हुआ है कि हम लोग सब साथ बैठे हैं, बहुत ये चीज लैक। और बचपन में कम ईदी मिलती होगी, अब जाहिर ज्यादा ईदी मिलती होगी। कोई नहीं, इतनी ईदी मिलती है होंगी ना, इतनी ईदी कम होगी, ये ज्यादा ईदी देती होंगी। म्यूजिक मेरे अंदर चला, लिटरली देनी पड़ती है, और लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो समझते हैं कि वो ये तो बहुत। सोनिया हुसैन को ईदी आती भी होगी यार, ऐसे कैसे होता है? नहीं आती होगी यार, गिफ्ट्स को भेजते ही होंगे यार। हाँ, ईदी आती होगी और वो आगे दे देती होंगी। डिजाइनर्स से तो बहुत ज्यादा ईदी आती है, ये ईदी कि हमारे कपड़े पहन के आप तस्वीरें, लिटरली डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्या पहने इसमें से, ये तो है। लेकिन उस तरह की जो वो होती है ना पैसे वाली ईदी, वो थोड़ी अब कम मिलती है, इतनी ज्यादा नहीं मिलती। अच्छा सोनिया, काम एक्टिंग देखी सोनिया की? बिल्कुल, खाली अदाकारी देखी है ना? बिल्कुल देखी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कौन सा प्ले किया लॉकडाउन में? मैंने क्या देखा अम्मी के साथ बैठ के, यही तो देखा है सब कुछ। कौन सा प्ले देखा सोनिया का? नाम मुझसे ना पूछे, एक्टिंग पूछे। बट आई थिंक सर आप देखे। नहीं नहीं, उसमें क्या और क्या एक्टिंग करी? किसमें?
उसमें ये बीवी का रोल कर रही हैं। यार बड़ी एक्शन देखी भाई, बीवी का ये क्या हो रहा है? अच्छा क्या बीवी का रोल मतलब तो हर लड़की कर रही होती है, और क्या होता है उसमें? और क्या नहीं, बहुत कम कर दी नहीं, वो खावंत का रोल करेगी। नहीं बट आई थिंक नहीं नहीं सॉरी यार, क्लेरिफिकेशन थी। अच्छा क्या एक्टिंग क्या थी किनकी? बहुत अच्छी एक्टिंग थी। अब मैं मतलब अगर कुछ तो याद होगा, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होता तो सारा कुछ बता मान जाते। ठीक है यार, क्रिकेटर है। मैंने भी सोनिया प्ले देखा जिसमें स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है सोनिया को, कि एक सेकंड में कुछ कहीं होती है फिर उसी वक्त। नो दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया। अब देखिए अगर आपको नहीं पता तो मुझे कहां से पता होगा? ऑलमोस्ट नहीं बट ऑलमोस्ट वो सेम डिसऑर्डर्स होते हैं, बट वो स्प्लिट ये नहीं बनी, बहुत नहीं बनी, बन गई थी, बन गई थी। नहीं मैंने देखी है और बहुत अच्छी है। अब मान गए आपने देखी। लेकिन लेकिन ये है कि मेंटल डिसऑर्डर्स ऑलमोस्ट हर चीज में सिमिलर होते हैं, जैसे मैंने बीच में समझी थी ऑटिज्म जो स्किज़ोफ्रेनिया दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें चेंजेस होती है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बिल्कुल क्लासिफिकेशन अलग हो जाती है। तो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी मैंने उस पर भी किया है जिसमें जाहिद था इस नसीब में, और अभी जो किया वो इट्स अबाउट स्किज़ोफ्रेनिक। अच्छा क्या वजह है कि सोनिया यू लुक फॉर सच कैरेक्टर्स डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क या आते हैं इस तरह? आई डोंट नो, दिस बिकॉज़ दे थिंक यू कैन परफॉर्म वेल। I don't know. असल बात ये ना कि you can perform well तो वो लोगों को लगता है कि I don't know if it's fortunate or unfortunate, लेकिन ये है कि मुझे literally ऐसे characters आते हैं, जैसे अभी भी मैं जो अदनान सरवर के साथ series कर रही हूँ उसमें भी यही है कि वो लड़की जो है वो उसको एक ट्रॉमा है ज़िंदगी का, तो वो ट्रॉमा जो है आपको बहुत, आपने कभी देखा है जो ब्लेड से लोग हाथ काटते हैं, तो वो लिटरली आपकी कोई बैक स्टोरी होती है इस तरह की जो आप किसी पर निकाल नहीं पा रहे होते अपना वो डिप्रेशन, तो आपने ऊपर निकालना शुरू हो जाते हैं। तो ये है कि इस तरह के ऐसे स्क्रिप्ट्स ऑफर होते हैं, मगर ये कि मुझे लगता है कि शायद बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि इस ये चीज़ें ना हमारे यहाँ बहुत टैबू समझी जाती हैं, हमारे यहाँ जो डिप्रेशन है और इस तरह के जो पेशेंट्स लोग डिस्कस नहीं करते, लोग कहते हैं कि शायद ये पागल पागल इस तरह से इसको कंसिडर करना शुरू कर देंगे, तो लोग अपनी भी प्रॉब्लम्स नहीं बताते। बिल्कुल सही है। अच्छा शोएब मलिक को अगर कभी कैरेक्टर करना हो कि यार मुझे बस मैं कर रहा हूँ और एक्टिंग का शौक भी है, तो कौन सा कैरेक्टर करता है यार ये वाला किरदार जो है ना मैं ये वाला कैरेक्टर? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सुपर हीरो हो सकता है कोई ऐसे, मतलब कुछ भी? नहीं नहीं फनी कुछ हो तो funny. मैं हां फनी सेंस ऑफ ह्यूमर। ये क्या मतलब सियालकोट में काफी लोग हैं? हां ही इज फ्रॉम, मैंने नोटिस किया है, एक फैजाबाद और एक सियालकोट। मैं 10 साल तो कराची रहा हूं, लेकिन वो जाता नहीं है, वो जबरदस्त जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर वो तो गया नहीं, वो इनबिल्ट है। हां ट्रू, ये नेचुरल है। आई वाज बॉर्न इन सियालकोट तो वो है, इनबिल्ट है। नहीं वैसे लेकिन लेकिन ये है कि वैसे भी ना क्रिकेटर्स जो हैं वो वैसे ही ड्रेसिंग रूम में जो है ना शुगर लगा के रखते हैं, और वैसे ही बहुत फनी फनी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आते हैं कोई, अगर पहली दफा आप आ रहे हैं और 5-star होटल के रूम में आप जो है वो रुके हुए हैं। ये अच्छी बात है। हाँ मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। हमारे दो क्रिकेटर्स, आई विल नॉट टेक देयर नेम्स, फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गए तो उन्होंने टब देखा, ठीक है। अच्छा। अब वो सोच रहे हैं कि नहाना कैसे है। शुक्र है नहाने का ही सोचा कुछ, मतलब हाँ वो सोच रहे हैं पहले रूममेट होते थे ना, दो लोग एक रूम में रुक सकते थे टब के अंदर। नहीं मतलब मेरा मतलब बदला देख के सोचता पता नहीं क्या करना है इसके साथ। और उन्होंने टब भरा, ठीक है टब भरा, और बाहर खड़े हो गए, ग्लास दो ग्लासेस पड़े होते, एक ग्लास से उन्होंने शावर किया और पानी जो है ना पूरे होटल में टपक रहा था। इंग्लैंड में आपको पता है वो रूम भी ऐसे बने हुए हैं छोटे रूम, वो पूरे होटल में टपक रहा है, वो समझ रहे हैं यार बारिश भी नहीं हो रही ना कुछ हो रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो बड़े फनी फनी सीन यार, कितनी मजे की। पता कैसे चला कि हुआ क्या, ये उन्होंने बताई खुद कहानी? कमोड के ऊपर दोनों पैर रख के बैठ गए, मतलब बड़ी फनी यार ये चीजें यार। ये वैसे आम बात है, ये होता है, आम बात नहीं, ये बहुत होता है। दिस इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान ओनली। नहीं नहीं इट हैपेंस इन इंडिया आल्सो, अ लॉट ऑफ कुछ लोग जो है ना वो करते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल इन एशिया डू दैट। आई मीन वो उनको बैठने की आदत, वैसे भी क्या बात करें, ईद की बातें कहां बिठा रहे हैं यार भाई। नहीं वो बैठ गए थे तो आपने कहा बताओ, क्या हो गया हां बता दें। अब वो टूट तो नहीं गया फर्श? नहीं नहीं वो जरा पतले पतले होते हैं ना तो टूटते नहीं। और क्या बात हो रही है, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फ्लेक्सिबल भी होते हैं। हाँ सही बात। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होती है, और उतरना चढ़ना जो है वो इजी हो जाता है। अब सोचिए अगर
अच्छा फिर हाँ सोचे सोचे आगे सोचे इफ यू नॉट फ्लेक्सिबल इनफ सुनने में ये देखिए यार ये एक अलग सा किस्सा ये ऐसा किस्सा टीवी पे कभी डिस्कस नहीं होगा ये वाला नहीं लेकिन ये अक्सर होता है पब्लिक वॉशरूम्स आप कभी जाते हैं ना तो आप देखते हैं वॉशरूम वॉशरूम लिटरली मैंने कितनी बार कमोड के ऊपर ना शूज ऐसे छपे हुए होते हैं तो बड़ी स्ट्रेंज नहीं तो फिर आप उनको साफ करती हैं थोड़ा पानी मार के मैं बैठती नहीं उसके बाद कुछ और इमेजिनेशन की और जा रही कुछ और कोई और इमेजिनेशन सारी पिक्चर सामने आ गई फुल ईद मुबारक आज का शो है कमोड के बारे में जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम चलेंगे एक गेम की तरफ हमारे साथ मौजूद हैं दो अमेजिंग सुपरस्टार डोंट फॉरगेट वॉच टाइम आउट विद एहसन खान Welcome back to Time Out with Ehsan Khan. हमारे साथ शुएब मलिक और सोनिया हुसैन मौजूद है एक मरतबा फिर आप दोनों को ईद मुबारक फिर से आपको भी ईद मुबारक आपके घर वालों को ईद मुबारक आप सबको भी ईद मुबारक जनाब हमारे इस सेगमेंट का नाम है ईदी में तो यही मिलेगा नहीं रखना तो ना रखना लेकिन मिलेगा यही कुछ नाम आप लोगों के सामने मैं लूंगा हमारे बड़े बड़े प्यारे प्यारे दोस्त अहबाब हमारे सेलिब्रिटीज उनके नाम आपके सामने आएंगे और इस टोकरी में बहुत कुछ मौजूद है ईदी के तौर पर मसलन के रिमोट यस और सोनिया हुसैन और टीवी देखें और दिखाएं और क्या है एंची कैंची से क्या करेगा और ये क्या सोनिया ये क्या बटर मक्खन ये तो आप ये नहीं भाई ये माफ कर दो थैंक यू ये जो है ना ये बेलना वैसे शेरू को देना वैसे क्यों अच्छा शेरू क्या रोटियां बहुत अच्छी बनाता है बहुत अच्छी रोटियां क्योंकि मैंने खाई है मैं लोगों के घर में से खाना हर एक की रोटी खाने पहुंच जाता है ये मुझे आज पता लगा है वैसे मैंने पूछा नहीं था लेकिन ये बेलना जाता है हसन शहरयार का आई डोंट नो द रीजन बिल्कुल जाता है ठीक है वो रोटियां बना के खिलाएगा आपको वो खिलाएंगे लेकिन इसका ये वैसे अच्छा घूम रहा है ये आधा ब्लैक क्यों है अच्छा ये यूज ये मतलब यूं चलता है ना ये चलता कैसे मुझे क्या पता ये ऐसे ऐसी मर्जी है जैसे मर्जी हमारे पास ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब हम लोग ग्राउंड से आते हैं ना वापस होटल के रूम में तो ये अपना मसाज खुद कर रहे होते हैं यूं करके तो ये मसाज के तौर पे भी यूज हो सकता है हां लेकिन ये इससे रोटियां ही बनेंगी ठीक है रोटी ही बनेगी ठीक है अच्छा जी पहले शुएब मलिक से पूछते हैं कि किसको ईदी में क्या मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए शाइस्ता लोधी को ये कैंची कैंची क्यों जा रही है शाइस्ता लोधी के पास क्योंकि उसकी जुबान काटनी है यार शाइस्ता लोधी बेचारी ने ऐसा क्या कह दिया वो बस उसकी कैंची वो पता क्या करती है जब मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ ना मेरी अम्मा को कॉल करती है मेरी अम्मा को मेरी शिकायतें लगाती है कि ये देखें आपका बेटा ये बोल रहा है ये बोल रहा है तो मैं उन शिकायतों से बचना चाहता हूँ इसकी जुबान जो है ना ये अच्छा अहमद शहजाद को अहमद शहजाद को ये मक्खन मक्खन ये इसलिए क्योंकि वो बहुत बटरिंग करते हैं मैं आंसर दे दूं किसकी नहीं किसकी किसकी नहीं करते बहुत स्वीट है अहमद बहुत और बहुत स्वीट है सोचे ऊपर बटर भी लगा दे अहमद के बेटा कितना प्यारा है माशा बहुत प्यारा सब कुछ कहने के बाद आखिर में स्वीट भी कह दिया यार नहीं वो तो देखो नहीं स्वीट होगी अच्छी बात है उसमें कोई शक ही नहीं उमर अकमल ओ उमर अकमल को ये दे दें गुड्डा ये तो लड़कियों के लिए रखा है जैसे वो आउटफिट्स पहन के पिक्चर्स लेता है ना या वीडियोस बनाता है तो मेरे ख्याल में ये गुड्डा थोड़ा सा उसको गाइडेंस देगा यार उमर इसने अच्छी ड्रेसिंग की हुई है इसने अच्छी की हुई है शिवम इज फुल चार्ज्ड अप यार ओके जी मोहम्मद हफीज ओ उनको ये फूल दे दें ये सेहरा है ये सर पे बांधने वाला सेहरा है मेरे ख्याल में बहुत खुश होंगे ये गुड्डा तो मुड़ता ही नहीं है आपका ये अगर उनको पहना दिया जाए तो वो बहुत खुश होंगे
पूरा पहना दें उनको। मोहम्मद हफीज को ईदी में सेहरा दिया जा रहा है जी। अच्छा जी, वसीम अकरम। ओ ये क्या मतलब, लेकिन ये दे दे, ये पहन के वो बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये एक वाहिद चीज है जो उन्होंने पहन के ना पिक्चर नहीं खिंचवाई। अभी उन्होंने शूट किया, उन्होंने बहुत सारे लुक्स डिफरेंट डिफरेंट जी, लेकिन ये ओरिजिनल है, गलत वाली नहीं है। ये वो टोपी नहीं है जो पहना के बंदे को पागल बनाते हैं। ये अच्छी वाली है। कैबर कैप में किसी भाई को देखा नहीं है मैंने कभी। ठीक है, नहीं देखा ना? नहीं नहीं नहीं। अब ये पहनेंगे फिर आप देखना उनको, अच्छे लगेंगे वो। सरफराज अहमद। उनको कछुआ दे देते क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक है। अगर आप उन्हें फील्ड पे देखें तो हमेशा ही इज आफ्टर ऑल द बॉलर्स के, यार आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनको कछुआ दे दे ताकि वो इसको देखे थोड़ा सा स्लो हो जाए, ताकि एंड ऑफ द डे जो है ना रिजल्ट जो है वो टीम की फेवर में आए। राइट, क्या बात है। सोनिया हुसैन को क्या देंगे? किसको? अब कुछ बचा ही नहीं। बार बार भी दे सकते। सोनिया को सॉक्स दे देते हैं पहने हुए। सॉक्स क्या करेगी सोनिया? नहीं, सॉक्स पहने हुए कि नहीं? लेकिन इस सोनिया के जूते चेक कर यार, ये बड़ा नीचे जींस तो नहीं पहनी सोनिया? और ये जितने बड़े सॉक्स है अगर नहीं भी पहनी हुई तो जीन्स का काम करेगी। मोइन खान। शाबाश शाबाश शाबाश। ग्लव्स नहीं है इसमें। हाँ, मोइन भाई के वो अभी मैं मिला था उनकी एकेडमी में, तो वो टीवी देख रहे थे, तो आई गेस मैं उनको ये हाँ रिमोट दे दूंगा मैं उनको, ताकि वहाब रियाज को क्या मिलेगा? वहाब रियाज को नेल कटर नहीं है कहीं पे? क्यों नेल कटर? क्यों? क्योंकि उसके हाथों के नेल्स जो है ना बड़े रहते हैं हमेशा से, तो वो थोड़े से कट जाएंगे। ये तो भी हमें पता ही नहीं है। ये बात जो है ना, ये बात सिर्फ जो क्रिकेटर्स हैं उनको सही से समझ आएगी ये वाली बात। ये बहुत अंदर की बात है। ठीक है, ये बहुत अंदर की बात है और ये क्रिकेटर समझ जाएंगे। आप लोगों को मैं शो के बाद समझाऊंगा दोनों को। बस ठीक है, डन हो गया। इमाद वसीम ऑन एयर बोलना अच्छी चीज नहीं है। अब कौन सी चीज रहेगी जो अभी भी सो, यानी कि बहुत ही बुरी चीज होगी जो ऑन एयर नहीं बोलनी, वरना तो सेंसर ऑफ है भाई का। चलो कुछ थोड़ी सी जरा लिहाज करके मध्यम। इमाद वसीम को थोड़ा सा टर्न देना चाहिए, बॉल टर्न करे वो, हमेशा उसका बॉल जो है ना अंदर आते रहता है। अच्छा, क्योंकि नया बॉल करते हैं ना ये तो टिप दिया। हाँ, मतलब टर्न करे बॉल को, एक टर्न वाली कोई जो है ना उनको क्या बोलेंगे, उनको कोई एक टिप ऐसी दी जाए कि बॉल टर्न होना शुरू हो जाए। ठीक है, एंड द लास्ट नेम इज फवाद आलम। फवाद आलम को एक ही टिप है। क्या? क्योंकि वो ना सामने वाले अंपायर को पता चलता है, ना लेग अंपायर को पता चलता है कि ये बैटिंग या जो बॉलर है वो मेरे वाली साइड से आएगा या सामने वाली साइड से आएगा, क्योंकि वो बॉलर यहाँ से आ रहा है ना तो वो यूं खड़ा होता है, तो जो ये वाला अंपायर है ना वो भी देख रहा होता है बॉलर तो नहीं आ रहा, क्योंकि स्टांस इस तरफ है ना, फिर वो यूं होते हैं, फिर आप खेलते हैं। तो उनको जो है उनका दो दो बैट्स होने चाहिए उनके हाथ में, एक बॉलर जो सामने से आए और एक यहां से आए, तो दूसरा बैट है यार। जबरदस्त सोनिया, ये मैंने पहले इसलिए शुएब से सारा कुछ पूछा था कि सोनिया को पता जवाब कैसे दे। मेरे आंसर भी शुएब ही देंगे। सोनिया की बारी है जी। सोनिया से पहला नाम जो है वो है जी, दूंगी मैं यही सब दूंगी, चीजें हैं इनमें से चूज कर लो, कुछ और डाल दे सेट में से यार। ईद पे जो दिल चाहता है ईदी दे दो, मुझसे बोल लो यार क्या देना बताओ, हम अरेंज कर लेते हैं। सोनिया टेल मी, सोनिया बताओ। ठीक है, पहला नाम है जाहिद अहमद। जाहिद अहमद बताए तो शुगर क्या? ये कौन सा इनसाइड जोक था जो मुझे नहीं पता? क्या 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 चल रहा है ये? क्या ये ऐसे ही किसी और क्या चल रहा है? ये कोई और बात चली थी। अच्छा, क्या आपने दिया जाहिद अहमद को शुगर? क्यों, मीठे काम है वो? क्योंकि वो रमजानों में जब मैं से शूट करी, क्योंकि वो क्यों चीज क्या बताओ में क्योंकि हम रमजानों में शूट कर रहे थे, तो जब जाहिद के जब रोजा होता है ना तो जाहिद को बस कोई करीब ही नहीं फटक सकता। ओ, अच्छा। तो आई थिंक जाहिद
needs to have some sugar. We recently shooting कर रहे थे रमजान में. हाँ हाँ अभी हम चोलिस्तान में shoot कर रहे थे. बहुत गर्मी थी, रोजे थे. I know that play अवैस खान का. मूर महारान का. अवैस के साथ तो हमने मरासम किया है. Of course, लेकिन मैंने सुना जाहिद तो कहा था मैं रमजान में काम ही नहीं करता, लेकिन कहीं करना पड़ गया थोड़ा. हाँ पढ़ना करना. ठीक है. जाहिर आपने कहा होगा तो obviously. अच्छा जी समी खान. समी खान को ये दे देते हैं. टोपी दे दी. हाँ क्योंकि किस ये इस टोपी में क्या राज छुपा है, क्या जादू है टोपी में? अब ये क्यों दी गई है समी को? क्योंकि बड़ी स्टाइलिश टोपी है. समी गुड लुकिंग है, अच्छी लगेगी उसके ऊपर. हाँ कैसे दिखाएं सोनिया? ओए हाय ये लग रही है ना सोनिया को सूट कर रही है. हाँ आपका घोड़ा घोड़ा. सबा कमर टिश्यू. क्या साफ कराएंगी मतलब? सबा कमर इस टिश्यू. वैसे टॉयलेट पेपर क्यों दे रहे हैं आप टिश्यू देते थे ये? क्योंकि वो मतलब याद है ना आपको, क्योंकि सबा इतनी कोई यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वो टिश्यू से तो नहीं, वो टॉयलेट पेपर से ही लोगों के आंसू साफ करेंगी, क्योंकि वो रोती नहीं है, वो आंसू निकलवाती है. लेकिन ये किसी और वजह से था यहाँ पे. वो जो पहले हम बातें कर रहे थे उसकी वजह से, उसकी वजह से आ गए. तो शेव ये क्रिकेटर्स को दे देगा. लाइन दे देते हैं लेकिन मेक श्योर आप साफ करें. ये किस क्रिकेटर को देंगे? चलो ये बता दे शेव. ये जो नहीं नहाता. अच्छा ऐसा भी होता है स्पोर्ट्स में? कैसे हो सकते? बहुत सारे. एक नाम जिसको ये टॉप नेम पुराने हैं लेकिन वो टू मच हो जाएगा. इकरा अजीज. इकरा को मैं ये दूंगी. वाह सेहरा नहीं ये एक फूल है. क्योंकि बहुत बहुत मुबारक हो. शी इज अ मॉमी टू बी. ऑफ कोर्स. तो इकरा के लिए फूल उसकी बेबी के. क्या बात है. फरियाल महमूद. कौन? ये ढूंढ ढूंढ के लाए हैं. क्या मतलब? ईदी तो दे दी. चलो कोई भी ईदी तो यार प्लीज. इतनी लंबी हंसी काट. अच्छा वो जो थी ना ईदी वो अपने बैग में डाल ली हुई है. वो कहां से निकाल ली थी? कितने दिए? 10 रुपए बस. मेरी बात सुन. नहीं बच्चों को इतनी ईदी मिलती है यार, इससे ज्यादा थोड़ी दे सकते. देखिए ये मुझे ईद शो कभी क्या ये 10 रुपए कैसे आप ईदी दे सकते? ये 10 रुपए ये तो उसके बनने चाहिए ना जो आपने वॉशरूम यूज किया था. यार सॉरी दिस इज. अच्छा महविश है यार. महविश मोर ईदी. ओ महविश को सेहरा. क्योंकि ताकि उसको जैसी कोई एलिजिबल बंदा मिले तो वो सेहरा पहनाएंगी. जो कि हो नहीं सकता क्योंकि बहुत कमी है अच्छे लड़कों की, और जो अच्छे थोड़े बहुत हैं वो दे आर टेकन. मगर आई थिंक शी इज लुकिंग फॉर समवन तो मे बी. ओके कैन यू प्लीज. मगर वो ना भी करे तो यू नो शी इज इनफ फॉर हरसेल्फ. तो अब बात है सो हु ऑल हैव टेकन. हां कैन यू प्लीज नेम देम? हां कैन यू प्लीज नेम देम? टेकन वन. या द टेकन वन. तो क्या मतलब पूरी दुनिया के इधर के किस किस का नाम? No, she was quite confident while making such statements. You were like very confident. Yeah. So please name them. Bradley Cooper. Wow. Suddenly, हम पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं. अच्छा जी. तेरी level ही और. Level ही और हो गया. हम सोच रहे थे कोई आ जाएगा. किसी का level change हो गया full. सर वो change. अच्छा सोनिया हमायूं सईद. यार ये आप गलत कर. क्योंकि वो ताकि अपनी फिल्में बनाते रहें और ऐसे दिखते रहें और दिखते प्रोजेक्टर पे लगा के है ना. इज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर और आई थिंक से वही फिल्में बनाते हैं अपनी. आई मीन ही इज द ओनली वन हु मेक्स. हां इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर. ओनली हीरो ओनली प्रोड्यूसर. तो And he looks great in films, yaar. Yeah, yeah, of course. Adnan Siddiqui.
अदा से दिखी के लिए क्या दूं? ये नहीं मतलब यार किस लिए? क्योंकि उन्हें मीठा खाने का बहुत शौक है। नहीं क्या और क्यों और किस लिए होता है चम्मच? ये क्यों निकाल के दिया चम्मच? तो कुछ बचा नहीं है ना, क्या दूं? वजह होगी इसके पीछे सोनिया, और क्या वजह हो सकती है? रीजन पूछ लेना भाई। अच्छा कसम से उसको मीठा बहुत पसंद है, तो जब भी घर पे आता है उनको ये होता है कि मीठा बना के, तो वो जब भी घर जाते हैं वो ये बोलते हैं मीठा बना के दो। किसको? उनको और किसको? ओके जाहिद अहमद। अभी तो जाहिद अहमद का बताया है, ये दूसरे वाले हैं। नहीं मैं चाहता हूं उसको एक और चीज मिले। अच्छा वैसे क्या सोचा था जाहिद के लिए, वो दे देती हूं मैं? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। तो फिर दोबारा नाम के लिए? वो सामने तो दो दफा लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? अच्छा जाहिद को शो में याद कर अपने दोस्तों को, यार दे दें चाय में डाल लें। जाहिद को ये दे देते हैं। अब ये क्यों पहले कुछ और, अब ये क्यों? ताकि उसकी हम इसे बूटी 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 कर दें और फेंक दें। मतलब क्या है? सोचें ताकि मैं किसी और हीरो के साथ आऊं उसके बाद के साथ आप बूटी 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 बूटी, और कितना मुश्किल काम होगा। मुश्किल काम होगा, इसके लिए बड़े स्ट्रांग हाथ चाहिए। किस चीज की बूटियां बनाएगी कैंची से? सोनिया क्या हो रहा है? तो जनाब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, यानी कि नेक्स्ट गेम की जानिब, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। Now welcome back to Time Out with Ehsan Khan, और ये सेगमेंट है सेल्फिश डिश का, और आज क्योंकि ईद है तो हमने एक डिजर्ट बनानी है, और डिजर्ट का नाम है चोको स्ट्रॉबेरी पार्फे। और मैं आप लोगों को इसका इंग्रेडिएंट्स बताता चलूं। सोनिया आप देखेंगे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि आप इस वक्त स्ट्रॉबेरी सॉस लग रही हैं। सॉस, बटर, क्रीम, बिस्किट, चोको सॉस एंड ब्रेड। चोको सॉस ये आपने आपने बनाना है और हम लोगों ने खाना है। हाँ ये भी हो सकता है, खाना होगा, ये खाना पड़ेगा लेकिन होगा ये बनाना दोनों ने मेरे भाई। बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेंगे। खा लेंगे लेकिन बनाना दोनों ने। अब सुने सुने सुने, अभी इस तरह नहीं मिलेगा आपके सब कुछ। ये मेरे हाथ में एक प्याला है जिसमें कार्ड्स हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखा हुआ है। आपका जो इंग्रेडिएंट्स निकलेगा वो आपके पास जाएगा, और अगर वो ये कुछ ना हुआ तो आपको बार्टर करना है, और बार्टर में क्या करना होगा आपको बताना होगा, अपनी फील्ड का कोई राज। और अगर आप अपनी फील्ड का राज नहीं बताना चाहते तो अपना राज बता रहे हैं, वो अच्छा भी हो सकता है। राज या छुपी हुई बात सिर्फ पूरी नहीं होती। Did you get this guys? Yes. Get this? We yes? got it. We Ready? Got it. I got it. Okay. Sorry, did you get yes, it? Yes, we got it. You think she got it? I don't think so. She didn't? No, no, she didn't. Tumhara nahi bata sakta, sorry bhai. Sorry, you got it. Please, Sonia, you got it? Yes. Please, Sonia. Sort of. Sonia, seriously. Aap kya chah rahe? Kahan se lekar aate ho ye? Strawberry sauce. वो तो साड़ी में से थोड़ा सा डाल लेंगी यूं करके। मैंने देखा आपके साथ सिर्फ रोमांटिक सीन्स करना ही मुश्किल नहीं है, ये भी करना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा होस्ट भी बहुत आसान ऐसे के साथ रोमांटिक सीन्स करो ना, तो ऐसे के साथ हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे ऐसा ना आगे से ना यूं करो। Why do you do this? नहीं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, पता है? मैंने एक दो जगह ये ऐसा पंगा लिया है, ठीक है, आंखों में नहीं देखता मैं। ये सोनिया ने राज एक पहले ही बता दिया है, क्योंकि मुझसे जब ओवर रोमांटिक या बहुत ड्रामेटिक सीन होते ना, he starts laughing. मुझे हंसी आती है, और वो एडिटर बेचारा पता नहीं कैसे एडिट कर करके वो सीन बाद में देखता हूं, यार इतना अच्छा सीन कर। अच्छा राज ये यू डोंट लाफ इन योर सोलो, लेकिन जब क्लू देने की बात आती है देन यू स्टार्ट लाफिंग। ये भी है, ये राज है। वैसे ये भी होता है, अच्छा निकालो जी पर्ची। ओ मेरी पहली बारी, आप ले ली पहली बारी। नहीं यहाँ पे चौथा इंसान कोई नहीं है। बटर निकला है, बटर बटर निकला है भाई, पहले ही रखो बटर। सोनिया वेयर इज द बटर? हियर इट इज। यस अच्छी किस्मत है मेरी। वाह यार फौरन निकला है। हाँ जी हाँ जी। ऑरेंज चीज
चीज कौन डालता है? इसमें चाहिए नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो वापस जाएगी ना। कम ऑन सोनिया, शुगर इसमें शुगर नहीं है, सोनिया नहीं लिखा हुआ, नहीं है। हम दो बहुत अच्छे शरीफ लोग हैं, इसलिए हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक रास्ता, प्यारे लोग हैं, ये रास्ता। हाँ, पहले ही बता दिए। हाँ, हाँ कि हम लोग शरीफ। ब्रेड, ब्रेड भी आ गई यार, ये क्या है, आ गई जी, ब्रेड आ गई है। ये जरा अच्छा निकल रहा है, ये लोग अब छांट के निकाले, अब नहीं आएगा। आपको हर चीज में डाल के खानी चाहिए। तो परफ्यूम में भी डाल, बहुत हेल्दी होते हैं। वैसे चम्मच आप सुबह सुबह उठ के ऐसी बगैर खाने के चिया सीड्स ऐसे खा लें। और क्या क्या खाते हैं? डॉक्टर भी है ये, वेट लूज होता है। और किसे? करेले। क्या करेले? I love करेलास। अब परफ्यूम में करेले, I wish मैं परफ्यूम में करेले डाल सकती। I love it। हाँ जी, निकालो जी। Olives। ये परफ्यूम कम और सैंडविच का मेन्यू ज्यादा लग रहा है। आप लोगों ने सब डाली, ऐसे नाम है। स्ट्रॉबेरी सॉस डाले इसके अंदर है? निकला है। टोमेटोस। टोमेटोस, टोमेटोस, पिज्जा की रेसिपी निकल रही है। लो जी, टर्मरिक पाउडर। आपने चॉकलेट सॉस डाला इसमें? हाँ जी, चॉकलेट सॉस है, ये चीजें हैं इसमें, पता है वो लास्ट वाले हैं। करना क्या, सब कुछ है। मिक्स कर दिए? नहीं, तो ना करो मिक्स। क्या निकला है? चॉकलेट सॉस। वो यार, वो मेरे पास है। नहीं, एक और भी है, वो भी है यार। ये तो फिल्म हो गया। तो ये लास्ट कार्ड है आपका। फिर से ऑलिव्स। फिर से ऑलिव्स। ऑलिव्स क्या? तो ये ऑलिव्स तो खत्म हो गया। अब ये खीरे रख लें। नहीं नहीं, ये बहुत डिफरेंट है उनसे। क्यों रख लें? स्किप करें। बहुत डिफरेंट है। ग्रीन कलर से मिलाया है मैंने। ग्रीन कलर से। हाँ जी सोनिया, निकालो जी। स्ट्रॉबेरी सॉस। फाइनली। फाइनली यार, बड़ी गुड लक चल रही, गुड लक। तो सोनिया के पास है जी स्ट्रॉबेरी सॉस, चॉकलेट सॉस, बटर एंड ब्रेड। She has three extra stuff. आपके पास चॉकलेट सॉस, olives नहीं डालेंगे इसमें। अच्छा भाईजान, अब आपने क्या लेना है? आपको चाहिए स्ट्रॉबेरी सॉस, आपको चाहिए क्रीम, आपको चाहिए बिस्किट्स, सोनिया को भी चाहिए बिस्किट और बटर। ये ले जी। ऑस्ट्रेलिया में और मैं और कामरान अकमल, हम लोग, वी वर नॉट सपोज टू प्ले टुमारो, सो वी We have decided, let's watch a movie late night. Okay. ठीक है। और चले गए। हम लोगों ने मूवी देखी सुबह 5:30 बजे। हम लोग जो है सोए जाके और सुबह ग्राउंड पहुंचे, तो वी न्यू के दैट वी आर नॉट प्लेइंग टुडेज गेम, बट सडनली दे हैव डिसाइडेड कि हम दोनों खेलेंगे। अब हम आंखें मल रहे थे वहां पे और सामने बॉलर चेक कर रहे हैं, ब्रेडली थे, नहीं यार, ग्लेन मैकग्रा थे, जॉनसन थे, और दे ऑल वर प्रोड्यूसिंग 150 प्लस। wow.
किलोमीटर पर आवर. अब हम लोग ये सोच रहे हैं, हमें तो सारे वो सीन्स याद थे जो हम लोग मूवी देख रहे थे. सामने से तीन बॉलर्स वो भी नजर आ रहे थे. तो ये एक ऐसा राज है जिसको नहीं किसी को पता, उधर हम दोनों को पता है. अब आपको क्या चाहिए इनमें से? हम लेते मुझे ब्रेड दे दें प्लीज. ब्रेड आपको मिल गई. ब्रेड तो सासा बनाना भी शुरू कर दें यार, उसमें डालें चीजें. अच्छा जी सोनिया आपको क्या चाहिए? You have bread, you have butter, you have chocolate sauce, you have strawberry sauce, you need cream and you need biscuits. So biscuit yahan pe hai aur cream yahan pe hai. Sonia ko bahut kam cheeze chahiye, sirf do teen raaz bata le. Lekin bhi us pe bhi samajh nahi aa raha hai kya raaz batau. Tomato wapas kar rahe hain aur aapko dono mein se kya chahiye? Cream. Lekin uske liye koi to raaz hoga sir. कोई ऐसा हो जो हमें ना पता हो. बाकी हमें सारे पता है. बाकी हमें सारे पता है. सच बताओ मुझे किसी के भी कोई राज नहीं पता, लेकिन जो जितना मैंने सुना है ना उसके हिसाब से मैं बता सकती हूँ. ठीक है. आई थिंक एक राज है जो मुझे पता है कि प्रॉबेबली एसन इज द ओनली वन जिसका कभी मैंने कोई अफेयर नहीं सुना. ये राज है. ये कौन सा राज है? ये तो मुझे पता था. नहीं, लोग यूजुअली समझते हैं कि सारे लड़के ऐसा है अफेयर क्या? हाँ, अच्छा इंसान है. ऐसा कितना सोचने लग गया. ऐसा कितने अफेयर चले हैं आप? बच्चे बीवी जाहिर है. वो तो मैंने शोएब मलिक कभी कभी नहीं सुना है. नहीं, वो फ्लर्ट करने की बात अलग है. मैंने कभी सुना नहीं. फ्लर्ट करते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं कह रही. ये नहीं कह रही. ये राज नहीं है यार. सुनिए एक और राज. यार क्या राज? सुनिए एक और राज. अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. ये राज है. ये राज है ना? ये तो उन्होंने पूरे शो में गाने सुना, को पता है. सुना के यार सुनिए राज. ये दो तो आपने मुझसे पूछ लिए दो चीजों के. अपना राज बता दो. चलो कोई बात नहीं. मेरा राज ये कि मैं वो राज तो आज प्रूव नहीं हुआ. मैं और सोच रहा हूँ और क्या डलेगा इसमें. मेरा क्या राज है? ब्रेड और चॉकलेट. चॉकलेट चलेगी. ये सारा इसमें कुछ नहीं है जो डलेगा उसमें. सोनिया राज. यार राज ये है कि कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं शूट्स के जो मैं शायद दो दो दिन बगैर पानी के रहती हूँ. पानी पीती ही नहीं. तो ये राज है. अब तो राज है ना? ये राज है. लेकिन यार क्यों? क्योंकि पानी ना पीना राज है. जरूरत है. आप सारा दिन नहीं पीते पानी. अच्छा यानी कि ये राज नहीं. शोएब को ये राज मंजूर है? नहीं नहीं नहीं. आई विल टेल यू. देखें आपके पास टाइम है. सारे अच्छे अच्छे राज यही टाइम है. देखो आई विल टेल यू. जब फैशन शूट्स होता है तो आपको वाटर ड्रॉप करना पड़ता है. तो आप दो दो दिन तक पानी नहीं पी सकते. तो ये राज है. टू लूज वेट, टू लुक थिन. टू लुक थिन ताकि आपकी स्किन. मैं कोई मॉडल नहीं हूं, ये तो मुझे भी पता है. मान लेते राज यार. एक मान लेते. चार बता चुकी बेचारी. क्या करेगी यार? यार आपने तो मुझसे ना बहुत. थैंक यू. थैंक यू. इतनी मेहनत नहीं कर. आज शोएब मलिक को चाहिए क्रीम और बिस्किट और स्ट्रॉबेरी सॉस. शोएब मलिक बहुत कुछ है. लो जी क्या वापस लूं? चीज लेते हैं वापस और आपको देते हैं स्ट्रॉबेरी सॉस. लेकिन इसके लिए मैं राज बताना पड़ेगा. ये भी एक राज है कि मैं वाइफ को नहीं पता कि मैं घर गया था, पेरेंट्स से मिला, ठीक है, खाना खाया, ला इधर दे. ये क्या राज है? नहीं पता तो क्या हुआ? ये भी बना लिया. ये गलत. ये ब्रदरहुड नहीं चलेगा. ब्रदरहुड नहीं चलेगा. वो पका तक पहुंच गई, उसका ग्लास खाली पड़ा है. बनाना भी है जाहिर है. कौन बनाएगा? ओ तो कैसे बनाएंगे? अच्छा ओ सोनिया को क्या चाहिए अब? ये राज है. बहुत बड़ा राज है ये. क्या? कि मेरी वाइफ को नहीं पता. ये गलत क्या दे रहे हैं? ये बात बनाई है यार. हर बात तो नहीं बताता इंसान. मुझे अच्छा आप मेरी जगह होते आप बनाते ये इतनी बड़ी बात? मैं तो टीवी कॉन्सिक्वेंसेस यू नो. यस इसका मतलब उसको पता है. इससे क्या फर्क पड़ता है? सानिया नोज. इसे हमें हमारे सामने अभी बोल दिया बस है ना. नहीं 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 रास्ता बहुत बड़ा रास्ता जो आज खुल गया. आपने बहुत गलत दे दिया. यू नीड बिस्किट. ये आपने चीटिंग की है. करेले की जगह बिस्किट. आपने ये चीटिंग की है. अभी देखते हैं आगे चार चीजें. सोनिया यू विनिंग. यू हैव ऑलमोस्ट सिक्स थिंग्स. यू डन विद इट. बिस्किट चाहिए ना? ओ राज बताओ दोबारा. राज कितने राज बताऊं? भाई राज अब राज होना चाहिए और शोएब मलिक अप्रूव करेंगे उस राज को. राज यार
यार ये मेरा मतलब थोड़ी सी और डालनी पड़ेगी इसको, मुझे लिटरली नहीं पता लोगों के राज क्या हैं, कसम से मुझे नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि असली बात क्या है उनकी सच बता असली क्या और नकली क्या यही नहीं पता। नहीं नहीं वाकई मैं आई एम सो आउट ऑफ टच, कभी पता लगाने की कोशिश भी नहीं की ना, जाहिर है। शुएब को गजलें सुनने का बहुत शौक है। क्या सुनने का? गजलें सुनने का। ऑडियंस को तो नहीं पता होगी ना ये राज है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कुड़ी टाइम टू पा रही है मैं नहीं खेल रही है ये चीटिंग थी और मेरी बारी आई तो यार सोनिया हुसैन सही सही राज बताओ यार, ये क्या राज है यार। अच्छा किसका राज बताओ, आप नाम बताओ फिर मैं बता दूं। नहीं इंडस्ट्री का बता दो यार, किसका नाम कोई भी कि मुझे चेक नहीं मिला, मैं मुझे फलाने पैसे देने हैं, मैं वो चेक नहीं मिला। हाँ मुझे टच बटन का चेक नहीं मिला। किसका? टच बटन का भी चेक नहीं मिला। ये राज है, ये राज है, किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। ओ ये ओ हो ये तो ये चेक लेने की ये वो साजिश है, ये राज नहीं है। 2 साल हो गए पूरी फिल्म कर ली, ये राज है, उसको चेक नहीं मिला। कोई और वजह होगी, अब मुझे क्या पता क्यों नहीं मिला। आप इतने परेशान क्यों हो गए? हाँ तो ये राज है। अच्छा ये पीपी बिस्किट आपके हुए ये पता है, लड़की सब कुछ बोल देती है। इस राज के बाद मेरे वाले भी दे दें। अब कौन बनाएगा पहले? भाई जान आपको खीरों की जगह क्या चाहिए? नहीं नहीं वो चाहिए क्रीम, बिस्किट और क्रीम। अच्छा राज बताओ दोस्तों, राज जल्दी जल्दी क्विक, वो बन गया ऑलमोस्ट, क्विक राज। राज ये है कि मेरी फैमिली और मेरे जो वाइफ की फैमिली है उनको नहीं पता हम एक दफा पहले मिले थे शादी से पहले। एक दफा? हाँ एक दफा। यार ये कोई राज नहीं था कसम से, ये अभी बनाया है। नहीं 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 अच्छा एक और राज, सोनिया यू आर लूजिंग, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव टू मेक टर्मरिक की जगह बिस्किट्स। राज राज सोनिया का तो बन गया ऑलमोस्ट लेकिन चॉकलेट ज्यादा डल गई है यार। राज यार ब्रेड थी तैसे नीचे। राज तो राज ही नहीं है कोई, इसी अपने कॉलीग का राज यार। लास्ट चीज है बिस्किट, वो देख कंप्लीट हो गया सोनिया का, ऑलमोस्ट डन। राज मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने एक और शादी की हुई है। ओए तो ऐसे इंसान को जानता हूँ, तो कईयों को हम जानते हैं, उसका नाम क्या है? और वो सब किसी और को नहीं पता, मारो ऐसे किसी और को नहीं पता। वो ये ले, तो बंदा कौन है? वो नहीं बता सकता। तो फायदा क्या, ये राज है यार, ये कमाल राज है। अच्छा जनाब लेकिन दोनों का जो पार्फे है वो तैयार है, अब आपको करना ये है कि चख के बताना है कि दोनों में ज्यादा किसका अच्छा। शुएब मलिक आप चखेंगे और बताएंगे ज्यादा किसका। वो देखें बस सोनिया टाइम ओवर। हां तो मैं तो कब से बना के सोनिया टेस्ट करके बताती किसका ज्यादा अच्छा है। सोनिया सच सच बोलेगी ना, आज बहुत सच बोल रही है, आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सच की दवा खा गई है। ये खाना है वो नहीं खाना, क्यों चखने हैं, कुछ गलत बोल दिया मैंने? नहीं ये तो हमें बाद में पता चलेगा आपने क्या अच्छा बोला क्या गलत। हाय हाय ओए ओए बहुत बहुत अच्छा है। अब वो भी एंड हो गया है। सोनिया कौन सा ज्यादा अच्छा है? दोनों अच्छे सोच लो सोनिया, दोनों अच्छे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जनाब तो हालांकि इसमें सिर्फ लग रहा है दूध पी रही हूँ, मिल्क लिटरली मिल्क डाला हुआ है, फिर भी मैंने बोला क्रीम डाल के मैंने बोला दोनों अच्छे हैं। वो सच निकले ना, सच निकले ना, ये निकल आया तो वो ज्यादा अच्छा है।
वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान. और ये जो सेगमेंट है इसका नाम है बूझो तो जाने. इसमें खानों के नाम लिखे हुए हैं. ओके. और जिसकी पर्ची निकलेगी वो दूसरे को एक्टिंग करके समझाएगा कि इस पर्ची में क्या है. आज पता चलेगी एक्टिंग स्किल्स, है ना. और विनर को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर. आपका ऑडिशन है ये. हाँ, इनका ऑडिशन है. ऑडिशन है यार. वो बहुत ऑडिशन दे चुके हैं. वो क्या पता एक्टिंग का. इनके सामने पहला होगा. और ऑडिशन किस चीज का. क्या इनके सामने पहला होगा. नहीं, लेकिन शुएब आपने ऑडिशन दिया कभी एक्टिंग के लिए. नहीं नहीं दिया ना. नहीं दिया. हम ट्रायल्स बहुत दिए. इनको जरूरत नहीं पड़ी. आज देखते हैं. निकालो जी पर्ची. अच्छा जी. अच्छा जी. पहला ये. हाँ. उन्हें गेस करना ही क्या है. I can see it. नहीं नहीं जो ये बताएंगे जो एक्टिंग. स्टिक. ऐसे कौन खाता है. सैनिटाइजर डाल के स्टिक पर. एक मिसाल दे रहे क्या आएगा. सोचो इसके ओ, 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 कुछ पोर करके उस पे खाते हैं. ओ ऐसे कैसे खाते हैं उसे. बचपन में क्या खाया. ऐसे खाते हैं. क्या आवाज पर. आइसक्रीम. नहीं नहीं है भाई. फलूदा. और लॉलीपॉप. नहीं. लॉलीपॉप. ओ कुछ डाल के खाते हैं. हाँ. और क्या डाल के खाते हैं. शुप शुप करके खाते हैं. जैसे ही आप एक्ट करोगे ना तो समझ जाएगा क्या है. और ये माइक थोड़ी था. यार नहीं ये आप लोगों का ना कोई नहीं. आप लोग मिले हुए. चलो सोनिया जीत गया. आइसक्रीम ठीक है मान लिया. आइसक्रीम की फैमिली में आता है गोला गंडा. मैं इशारा भी कर रहा हूँ. शी सेड आइसक्रीम. मैं कह रहा हूँ ऑपोजिट. इससे मिलती जुलती चीज. चलो मैं जीत गई ना. हाँ जीत गई सोनिया. जीत गई. नाउ इट्स कंसीडर इट्स योर ऑडिशन. ओके ओके. सेकंड वर्ड है. सेकंड वर्ड ठीक है. Fish. Our first word. ये तो ये कुछ और था. First word. Snake. ये क्या है. उंगली. English में क्या कहते हैं. Finger. यार बहुत जल्दी पूछ दिया यार. क्या ये. क्या बना. First word और second word. First word finger fish. Finger fish. Finger fish यार. Very good यार. Finger fish. क्या बात है. जबरदस्त. Nice. ऐसा क्या है जब इतने परेशान हो गए. ये क्या हो रहा है यार. फुल फुल ये क्या बन गया. सैंडविच. और नाम. ये शेप किसका है. ट्रायंगल शेप है ना. वो ट्रायंगल शेप है. रमजान में बहुत खाए जाते हैं. रमजान में खाए जाते हैं. लेकिन इतना नहीं बोलना यार. ओके. अच्छा. पकोड़े. क्या पकोड़े. पकोड़े. अच्छा. और क्या खाते हैं रमजान में.
ट्रायंगल शेप में रमजान में क्या खाते हैं? फिर देसी चीज आई ना, नहीं पता चला। या लिटरली हमारे घर में फ्राइड चीजें नाम को भी नहीं बनती है। यार पता है क्या करें? इस बंदी को ना इसको बता बता के बोले। ये क्या होता है अंदर डाल, आप कुछ तो स्पेसिफिकेशन तो बताए ना उसकी। इससे अच्छा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा कुछ अंदर उसके फिल करते हैं। एक सेकंड, इस शेप की और खाने वाली क्या चीज़? समोसे। शुक्र है सोनिया। इसमें इसे डालने की क्या जरूरत है? समोसा तो कवर्ड होता है। आलू थे, आलू तो डाले बगैर कैसे? वो तो मुझे लगा ऐसे कुछ खुला हुआ है, मुझे क्या पता कि तो समोसा तो बंद होता है। ये तो समोसा वो आलू के आलू थे। ट्रायंगुलर शेप में क्या होता है? समोसा था। रमजान में क्या खाते हैं? ये तो गलत बोलेगा। इस तरह मैंने देखा कितना अच्छे से मैंने वो ऐसे कौन सा खुला हुआ समोसा होता है? आपसे फैसला कर लो क्या करूं मैं। जीती की हारी है, जीत तो गई। बता देता समोसा हर से ये बता देता एंड में, कोई बात नहीं। अच्छा सर, बीइंग अ गर्ल सारे एडवांटेजेस जा रहे हैं। ये है के हां ये दिखाओ जी अब। ओ ये तो एक मिनट में कर लेंगे। अच्छा हाँ वो जो भी हमने दिया था शेरू को। अच्छा नहीं इस तरह नहीं समझ पाएंगे, इस तरह नहीं समझ पाएंगे। ओ मैं समझ गई। रोटी जो खा रहे हैं, सालन, उसके अंदर कोई चीज है? चिकन। ओ पाए। हाँ लेकिन कौन से? कौन से? ये क्या बात है? कौन से? नहीं बोलना नहीं है, बोलना नहीं। ये कैसे बताएंगे? ये क्या मुझे क्या? ये तो किसी का नाम है। हाँ तो किसी का नाम कैसे? हाँ कौन से मशहूर है? हाँ कौन से मशहूर है? अज्जे के पाए। यूसुफ अंकल याद आ गए। ये कह रहे थे यूसुफ अंकल के पास अज्जे के पाए हम लोगों ने खाए हैं। हाँ जी सर जी। ये चिकन टिक्का सैंडविच है ना यार? बहुत बोल रहे हैं यार, बहुत यार। बता दो ऐसे बता दो भाई। बन रही है खुली क्यों? ये खुली चीज है बंद चीज है? पहले ये बताएं। ओह बारबेक्यू, चिकन बोटी, टिक्का। दैट वाज क्विक यार। अभी अच्छा बताया था है ना? हां केमिस्ट्री डेवलप हो गई ना, पता लग गया कि ये कैसे बताएंगे? क्या पता। अच्छा चलो समझ आ गया। पिंपल, चीक, क्रीम, दिल। तिल्ले की रोटी, तिल वाले नान। यस यस कैसा? अच्छा कि नहीं? अच्छा गुड गुड, वेरी नाइस सोनिया, वेरी नाइस। अच्छा आपको कैसे पता तिल से भी यहाँ होता है? तो जरा इजीली पता लग जाता है। वो मैं हैरान लगे यू क्या करें यहाँ तिल है? किसका देख रहा हूँ तो तिल ही नहीं यार हमारे इंडस्ट्री में। एक ही तो लड़की इसका तेल है, नीलम मुनीर। हाँ जी यार ये हर चीज सामने खाने में से उठा के यार ये नहीं भाई नहीं। हाँ क्या यार नहीं है वो? ये जो आप तोड़ रहे हैं मतलब ये खुली चीज है? ओके ओके हाँ। इतनी मुश्किल है मेरे शेफ पर। ओ एग, हाँ ऑमलेट, बन कबाब, अंडा बर्गर, अंडे वाला बर्गर। वाह बहुत मुश्किल बताया यार, बहुत यार अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। अंडा तोड़ा है ना? वाओ सिर्फ तोड़ना आता है, बनाना नहीं। ओ यार ये कैसे बताऊं?
आप मुझे कैसे कैसे चीजें देते, चिल्ले तो ये तो वो, बोल भी दिया है। अच्छा चले, ये स्पून दें। सूप? नहीं, स्पून से तो नहीं समझ पाएंगे। कैसे बताऊं? अच्छा चले, टू वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट इस तरह से सभी का सॉरी कोरोना कोरोना इट्स ओके नो वरी। अच्छा बताए मुझे भी लगाओ। ऐसे 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 कौन करता है ये, ऐसे कौन लोग करते हैं ऐसे? अच्छा पता नहीं मुझे, वैसे मैं गलत ना बता रही हूँ कि ऐसे 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 डांस डांस ऐसे कोई नहीं करता यार। सुनिए कौन सा डांस है यार? यार ऐसे कैसे होता है, कैसे बताऊँ यार? हाँ 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 हाँ, करे 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 भंगड़ा भंगड़ा। ये म्यूजिक किस चीज का है? म्यूजिक हाँ हाँ, यू 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 हाँ यू यू डांस करते हैं यार। कोई ऐसे कौन कौन डांस करता है यार? शुएब ऐसे कौन डांस करता है? पश्तो नहीं, हाँ हाँ तकरीबन पहले मैं करके देखूं। हाँ हाँ एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा अच्छा ऐसे को अच्छा 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 सुने, अच्छा मेरी बात सुने। सिंध में सिंधी टोपी पहन के तो योर फर्स्ट कैसे म्यूजिक बजाओ यार, कैसे एक मिनट ये सिंधी टोपी आगे अब आगे वैसे पॉइंट दे दे। फर्स्ट वर्ड हो गया, क्या हुआ? सिंधी डांस डांस का था। अच्छा सिंधी सिंधी हां ओ गुटका चालिया मैंने तो वही देखा यहाँ पे खाते हुए। गुटका कौन खाता है? सिंधी गुटका नहीं, वो सिंधी गुटका तो कोई चीज है। अच्छा हाँ सिंधी गुटका। ओह माय गॉड यार नहीं पता चल रहा। अच्छा चलो मैं सेकंड में बताती हूँ। तय लगाते हैं उसकी तय तय, ये तो इनको पता ही होगा लाहौर से। अच्छा ठीक है तय लगा दो मतलब बेडशीट है। हाँ वो बेडशीट है। मैं बताती हूँ यार बहुत टाइम हो गया यहाँ पे मैं सोने लगा हूँ। शान ओ शान नहीं दे यार मैं सोने लगा हूँ। ये थी सिंधी बिरयानी यार, पहले मुझे नचवाया यहाँ पे मेरा फोकस डांस पे चला गया, उसके बाद मेरा फोकस सीधा डांस से आप राइस पे लेके आ रहे हो और वो भी बिरयानी। बड़ा मुश्किल काम है मतलब एक सिर्फ कोई चीज यहाँ से उठाते और उसको खाना शुरू कर देते। मैं तीन चार नाम लेता उसमें बिरयानी आ जाती। खाया तो था आपने सूप बोला। मैंने हाथ से भी खाया, चम्मच से भी खाया। वो उन्होंने पहले स्पून से खाया और कैसे खाया? खाया भी जरा। अच्छा खाया भी नहीं, उसको चबाया नहीं, चूनी किया उसको। ये हाँ यार सोनिया ये बिल्कुल सही। आ जी एक और सोनिया। गुटका खा रहा है चालिया यार ये कैसे बताओ? ऐसा ना आपने कितने मुश्किल मुश्किल खाने रखे। ओके चाट मसाला तकरीबन चाट कुछ खट्टा है। इमली लिक्विड है। लिक्विड ओ पानी वाले गोलगप्पे। साथ क्या होता है? अच्छा चले दूसरी चीज। लोबिया लोबिया दूसरी चीज दूसरी चीज। ओके पहले तो भाई काम आ जाएगा। लस्सी। ये क्या हो रहा है? ऐसे तो लस्सी बनाते हैं। नहीं लेकिन ये हो क्या रहा है इंग्लिश में? क्या हो रहा है ये इंग्लिश में? अच्छा ये क्या हो रहा है?
बांध रहे हैं किसी चीज को. इंग्लिश में क्या हो रहा है? इंग्लिश में ग्रिप, रोल. हाँ, और फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड कैसे? अच्छा, रोल, चटनी, कोई सॉस. चटनी, रोल, चटनी, रोल. वाह यार, वेरी नाइस. मुश्किल था लेकिन आपने गेस कर लिया. यार ये अब कैसे, बहुत ही मुश्किल था वो तो. खाने की चीजें, दिन में सारा एक मिनट यार, आप दोनों के लिए गिफ्ट हैम्पर है हमारे पास. गिफ्ट है हमारे पास आप दोनों के लिए. पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं जीती हूँ ना. दोनों जीते हैं यार. एहसान खान, थैंक यू. मेरे पास दो हो गए. दो हो गए, दो हो गए. एक लास्ट वाले शो का है और एक ये. थैंक यू. प्लेजर. थैंक यू एहसान. इट्स अ प्लेजर. आई एम सो ऑनर्ड. थैंक यू सोनिया. एहसान, ये आपके ब्रांड का है? बिल्कुल ऐसा ही है. ओह वाओ, एहसान आपको कैसे पता फ्लोरल प्रिंट? अभी अभी चेंज करके ये पहनना है. वो सिला नहीं हुआ. तो ये जो पहना हुआ है वो कौन सा सिला हुआ? अच्छा सर, आप यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसान खान. वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसान खान, और हमारे सेगमेंट का नाम है दिल खोल के. जब से ये दोनों आए मैं तब से प्याला पकड़ा हुआ है. दिल खोल के सोनिया, दिल खोल के. प्याला लेकिन छोटा है. तो है? प्याला लेकिन छोटा है. क्या होने वाला? लेकिन होने क्या वाला है ये पता नहीं. अब पर्ची खुलेगी तो पता चलेगा क्या होने वाला है. लेकिन ये है कि जो भी करेंगे ना दिल खोल के करेंगे. ठीक है, किसी का नाम निकल आएगा, कोई गाना निकल आएगा, कोई भी चीज निकल सकती है. तो आपको उनके बारे में बताना होगा, यहाँ परफॉर्म करना होगा उन जैसा. आप हैं निधि यासी के मॉर्निंग शो में. किस शादीशुदा कपल की शादी करवा रहे हैं आप? दुपट्टा नहीं है निधा, बनना पड़ेगा ना. अच्छा, है नहीं पर हमारे पास. मैं इन दोनों की शादी करवाता हूँ. शो में नहीं. योर द कपल, योर सेल्फ, आपकी शादी हो रही है. क्या बोलेंगे? बोलेगी क्या निधा? क्या बोलेगी निधा? बोलेगी ऑडियंस क्या बोलेगी? नाजरीन, आज हम क्या करा रहे हैं? नाजरीन, आज हम शादी करवा रहे हैं. नया कपल है. और पहले शादी हो चुकी है? नहीं, पहले नहीं शादी हो. अच्छा, चुकी है. मैं करवा रही हूँ. निधा निधा आप ही थी. नया कपल है, आज शादी हो रही है इसकी और इन लोगों की. और आप लोग खूब मजा करें इस चीज में. हम एंजॉय, मतलब मैंने अभी कहा है मजा करें, आप लोगों ने पहले शुरू कर दी. अच्छा ठीक है जी, आगे बढ़ते. बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे. और भी मॉर्निंग होल्स, मॉर्निंग होल्स. अभी और एक्टिविटी. तो ये क्या था? ये गेस करना था क्या था? ये कुछ नहीं, वो बस वो निधा यासर, मतलब निधा यासर का एक्ट करना है. बस वो याद दिला रहे थे हमें निधा की. इस तरह तो हमारी की फेवरेट है यार. वो इस तरह तो रिएक्ट करती है. शी इज अ वंडरफुल प्रोड्यूसर दो आल्सो. हां, कितने उनकी तारीफ करके. ये मतलब तेरी, अल्लाह, पहली दफा आई आपके शो पे. तो मैं ऐसी कर रहा हूँ यार, एक्टिंग कर रहा हूँ. चलाओ जी, मेरा बाबू छेल छबीला. ये क्या? नहीं सुना कभी? अच्छा, रमजान खत्म तो सब खत्म. ओ मेरा बाबू छेल छबीला, मैं तू नाचू गे. ओ मेरा कलमा रंग रंगीला, मैं तू नाचू.
अच्छा जी, गरम गुलाबी शाम परफॉर्मेंस वीडियो, एक और गाना है गरम गुलाबी शाम है। वाह क्या गाना है ये, तो ये कैसा गाना है? ऐसा गरम और गुलाबी, ये शाम कैसी होती है? ऐसी गर्मी भी है गुलाबी भी Too good, man. I love her. I love Sabina Pirzada. Unke show ka koi gehra sawal. Gehra sawal. Sawal wo poochte waqt. Unke show ka gehra sawal umuman jo hota hai wo ye ki जिंदगी क्या है, जो कि बहुत गहरा सवाल है और जिंदगी गुजर जाती है और आप डिस्कवर नहीं कर पाते कि जिंदगी क्या है। क्या बात है सोनिया, क्या बात है, क्या बात ये है? तो उनसे भी ज्यादा क्या मतलब, क्या एक्टिंग थी, क्या बात थी, मतलब एंड हो गया है। वैसे जिंदगी क्या है, सोनिया क्या है जिंदगी, क्या है जिंदगी? ये सवाल है, ये ईद शो है, लेकिन मैं सीरियस जवाब दूँ इसका। हाँ बिल्कुल, जैसा आपका दिल करता है। हाँ ओके, जिंदगी बेसिकली दुनिया में आके किसी चेंज को लाने का नाम है, किसी चीज़ को ज़िंदगी देने का। अब वो ये नहीं किसी जानदार को ज़िंदगी, किसी भी अच्छे कॉज को ज़िंदगी देना, कोई बदलाव लाने को ज़िंदगी का नाम है। कि आपके आने से कोई फ़र्क पड़े ना, कि आप आएँ और चले जाएँ। ये हाँ बिला वजह थोड़ी आपने किसी चीज़ में फ़र्क डाला है, हम अपनी एक्टिंग से डालते हैं। थैंक यू, और हम लोग एंजॉय करते हैं एज अ ऑडियंस। बड़ा मुश्किल है ये भी गरम है। ये मीरा जी अपनी नई मूवी की मतलब तारीफ कर रही हैं या बताना चाहती हैं? चलें को दूसरी दे दें। तो आसान है, आसान है। सोनिया कैन टेक दिस चैलेंज। नो, व्हाई वुड आई? यू आर हेल्पिंग योर फ्रेंड यार। मीरा जी की तो पैरोडी इज वेरी इजी। वो फिर मतलब वो देखें, हमारी बड़ी रिस्पेक्टेड एक्टर हैं और मेरी एक फिल्म आ रही है बाजी है। हाँ इसी तरह बोलती है ना, क्या करता हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी मूवी आ रही है एंड द मूवी इज ऑन इट्स वे and you guys please go in the cinemas and do watch it. Wow, and you guys will zarur dekhenge, zarur dekhenge. Yeah, she's such a sweetheart. Yeah, aur main ek baat bataun Meera ji ke bare mein, maine kabhi kisi heroine ko, baki ke purani ka mujhe nahi pata, lekin maine kabhi kisi ko inke jaisa dance karte nahi dekha. Really? Kyunki I recently met her at Afzal's place aur wahan pe jo kya bas wo song chale aur wo unke andar hai, wo जो हम कोशिश कर करके मर जाते हैं। सच अ गुड डांसर एक्चुअली हीरोइन। ये कुछ और दे दे। सो क्यूट। क्या है ये सोनिया, पढ़ दो ना क्या है। लॉन्ग गवाचा। लॉन्ग गवाचा क्या है? लॉन्ग गवाचा क्या है? लॉन्ग मेरा लॉन्ग गवाचा पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा चीर वाले वेखदा मेरा लॉन्ग गवाचा निगा मारदा मेरा लॉन्ग गवाचा पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा चीर वाले। लेकिन कैमरे की तरफ वो हेल्प मांग रही थी आपसे। अच्छा दोबारा चलाओ गाना यार। पीछे आंदा मेरी चाल में क्या बात है यार, क्या बात है। ये निकालते हैं। ओके
वो जरा काम खराब हो जाएगा। देखें आप मुझे वोट दें, मैं आपको गारंटीड एक चीज बोलता हूं, आपको पूरे शहर में सफाई नजर आएगी और मैं किसी को गरीब नहीं रहने दूंगा, मैं सबके वसाइल पूरे करूंगा, आप मुझे वोट दें। ये कौन है? लीडर वोट मांगते हुए ऐसे मांगते ना वोट, ऐसे ही मांगते हैं वोट। सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट सोनिया, सेकंड लास्ट। चलो जी क्या है लगाओ जी, आज तो लगाओ जी, दाने पे दाना लगा दो। सुने मैं इसके बड़े पैसे लेती हूँ इसीलिए। चलो शेफ आ जाए। बस बंद कर। नहीं तो आपने क्यों नहीं किया? फाइनली आप नहीं, फाइनली नहीं आपने क्यों नहीं, फाइनली लास्ट दोबारा लगाएंगे, अकेले करेंगे अब की दोबारा जाने के बाद करूं मैं आप लोगों के जाने के बाद। चलिए चलें last finally so we have your so much fun Malik Reema Khan koi achhi baat samjhate waqt kaun Reema Khan Reema Khan Reema Khan ji ek hai Sonia aap ghar se jab nikalti hain aapne seedha apna act karna aur ghar mein wapas aana मेक श्योर करना अपने कहीं रास्ते में नहीं रुकना, ठीक है? सारा फोकस अपना एक्टिंग पे रखना है, याद रखना है आपने। तो okay? मैं कहाँ जाऊंगी बीच में? गुड ट्राई मैन, गुड ट्राई। जरा फाइनली फाइनली कहती घर से लेकर फाइनली सोनिया फाइनली मुबारक हो, शो हैज एंडेड। अब हम जाके ईद मनाएंगे। Finally. नहीं, but what a great start. Sonia, thank what you very much for being part of the show. No, thank you for having me. Wish you all the luck in all jitne bhi future projects hain yaar, bahut successful ho, bahut kamyab ho. Thank you so much. Aur khush rahe, happy rahe all the time. It was lovely, lovely being here, Asim. Thank you, Sonia. Aur Shoaib Malik, aapko bhi, I wish you all the success in future, all your projects. Aur isi tarah khush rahe, isi tarah hum sabko जो है ना वो हंसाते रहे और मजे करते रहे। Always pleasure being on your show. जब भी आपके शो पे आता हूँ तो आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होता है, so I'm expecting के कुछ अच्छा होगा फिर से इंशाल्लाह। बात है यार। थैंक यू सोनिया, आपके साथ बहुत मजा आया शो करने का और आई होप फिर हम कोई शो करेंगे इंशाल्लाह। अब आप करें फिल्म, आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, नाउ यू शुड, नाउ वी शुड डू अ फिल्म टुगेदर। यार ये जो थोड़ा सा टाइम मिलता है ना क्रिकेट के बाद वाइफ के साथ, वो भी ये, हाँ वो भी जो है ना वो हटाना चाह रहे हैं। नहीं लेकिन फिल्म स्टार हर कोई नहीं बन सकता। सोनिया गेस्ट अपीयरेंसेस आ रही हैं बहुत जल्दी शुएब की, यू विल सी हिम इन अ लॉट ऑफ मूवीज एंड रियली स्पेशल अपीयरेंसेस। इट्स अ सरप्राइज, आई नो फॉर श्योर। ही नोज एवरीथिंग ऑलमोस्ट, यस ऑलमोस्ट। और जाते जाते आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। इधर आइए मेरे साथ आइए, यहाँ पे आइए, हमारे लोगों को भी ईद मुबारक विश कीजिए। शुएब विश कीजिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है प्लीज उनको खत्म करें, एक दूसरे से मिलें। बिल्कुल सोनिया, ईद मुबारक विश कर दीजिए हमारे लोगों को। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, थैंक यू, आप इतना काम अप्रिशिएट करते हैं। आई नो ये दीज आर टफ टाइम्स क्योंकि दूर रह रहे के सबसे मिल रहे हैं, डिजिटल पे मिल रहे हैं आप सबसे, लेकिन बस मोहब्बत एक दूसरे के दिल में हो, आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। थैंक यू वेरी मच गाइस। सो गाइस आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ टाइम आउट विद एहसन खान। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।